नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के उल्लीडी थाना अंतर्गत हयात नगर में शुक्रवार को मोहम्मद इरशाद को गोली मार दी गई थी। इस घटना में इरशाद के इलाज के दौरान टीएमएच में देर रात मौत हो गई। वहीं आज पोस्टमार्टम कराकर रोड नंबर 14 मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इधर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही हत्या के आरोपी शहबाज को गिरफ्तार किया, साथ ही दो और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद किया। क्या नाम था भाई का? इरशाद, मोहम्मद इरशाद। क्या लग रहा था तुम लोग को, कैसे क्यों हुआ हादसा वाला? पता नहीं, तो जा रहा था उधर से उसको मार दिया। कितने लोगों से पकड़ाया मालूम चला तुम लोगों? 3 जन पकड़ा है और 3 जन भागा हुआ। टोटल कितना लोग था? 6 लोग था। थाना में कितने लोगों का नाम दिया गया? 6 लोग का। अच्छा, 6 लोगों का दिया हुआ, 3 पकड़ाया है और बाकी 3 भागा हुआ। कहाँ का है ये लोग? सब सब यहीं का है, ऊपर बस्ती का, हयात नगर। ऊपर बस्ती हयात नगर ना। हाँ। उन लोग क्या करता है जो भागा हुआ? अभी लोग क्या करता कुछ मालूम है लोग के बारे में? वो नहीं पता। हाँ, वो नहीं पता क्या तो जानकारी नहीं है। नहीं। कहाँ पर होगा मट्टी मंजिल? मुस्लिम कब्रिस्तान में, 14 नंबर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इरफान हुसैन। कौन है तुम? उसका बड़ा भाई। बड़ा भाई, क्या करते हो तुम? वेल्डिंग का काम करते हैं।